सकता है मेहमत साहब कि आप एक अच्छे इंसान हो, लेकिन अयाज को तो तबाह कर दिया ना। आखिर आप लोगों ने उसके साथ ऐसा क्यों किया? किसी और के बजाय अगर आप लोगों से उसको पता चलता तो शायद इतना दुख नहीं होता। मैंने अनम से कहा था जैसा वो चाहे, और उसने छुपाने का फैसला किया। हाँ ठीक है, मान लेते हैं कि ये सारी गलती अनम मैम की है, लेकिन आपने उसे कैसे छोड़ दिया जबकि वो सिर्फ एक छोटा बच्चा था? क्या सवाल का जवाब दे सकते हैं आप मुझे? हम माजी को बदल नहीं सकते जीनिया, वैसे चाहती तो मैं भी हूं मगर कर नहीं सकते। वैसे भी अयाज ने कबूल नहीं किया है मुझे। जीनिया तुम इस बारे में अयाज से बात क्यों नहीं करती? क्यों ना सब एक बार डिनर पर जमा हो जाएं? उसी बहाने तुम लोग बात कर लेना और सब ठीक हो जाएगा। इससे कुछ नहीं होगा। कोशिश किए बगैर कोई नतीजा मालूम नहीं होता। अगर मैं आपको डिनर पर बुलाऊंगी तो क्या आप आएंगे? बताए मुझे यार। शामिल क्यों बच्चों की तरह यहाँ छुप के बैठे हो? बताओ ना क्यों छुपे हो? सवाल ही पैदा नहीं होता यार। जब तक ये लोग यहाँ से चले नहीं जाएंगे मैं नहीं आऊंगा। सुन लो तुम, वाकई नहीं आऊंगा। ओह माय गॉड, अभी मैं बेहोश होने वाली हूँ शामिल। लिसन, देखो कसम से मैंने हेल्प हेल्प करके पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लेना है। मगर सिबिल डार्लिंग, आखिर तुमने ऐसी गलती क्यों की? ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये लोग अच्छे नहीं लगते हैं सिबिल। तुम क्यों इस तरह बच्चों की तरह जिद करती हो? तुमने मुझसे पूछे बगैर इनको यहाँ क्यों बुलाया है? इन्होंने मेरी कुछ चीजें चोरी की थी और मैं इसी वजह से डिप्रेशन में हूँ। तो फिर ये बदला लेने का वक्त आ गया है शामिल। लिसन टू मी, उन लोगों को यहाँ इसीलिए बुलाया है। उनके सामने जाओ और दिखाओ कि तुम क्या हो गए हो। चलो मेरे हैंडसम शौहर, चलो शुरू करो। आगे बढ़ो। तुमने मुझे नहीं पहचाना? नहीं पहचाना? सैरा हूं मैं। क्या? ओ सैरा, ये तुम हो? कैसी हो तुम यार? लेकिन तुम तो बिल्कुल ही बदल गई हो, ये कैसे हुआ? तुम तो मोटी सी होती थी। काफी दिन बाद मिले हैं। हमारा इंट्रोडक्शन नहीं कराओगे जानू? क्यों नहीं करवाऊंगा डार्लिंग, बिल्कुल करवाऊंगा। ये मेरे स्कूल में मेरी बेस्ट फ्रेंड थी सैरा, मेरी बीवी सिबिल। मिलकर खुशी हुई। मैं और शामिर दोनों ही क्लास के मोटे स्टूडेंट थे। बिल्कुल ठीक कह रही, हम दोनों बहुत मोटे थे और लोग हमारा मजाक उड़ाते थे। हम लोग अकेले हो गए थे इसीलिए हम दोनों एक दूसरे के दोस्त थे। और अब मैं अपने स्कूल फ्रेंड्स को देख रहा हूँ। ये जमाना बहुत ही जालिम है सहरा। मेरी दादी हमेशा से ये कहती थी, जिन चीजों को तुम गलत समझते हो वो आखिर में कुछ और निकलती हैं। सच कहती थी सहरा। बहरहाल तुम लोग बैठो ना, तुम लोगों का तो मुझे नहीं मालूम लेकिन मेरी सहरा को बहुत भूख लगी है। थैंक्स फॉर कमिंग सहरा, इतने दिन कहाँ थी? Thank you.
हाँ बोलो। हेलो मेरी जान, कहाँ हो तुम? ऑफिस में हूँ। सुनो, आज रात में मेरे कुछ खास मेहमान आ रहे हैं, तुम लेट मत होना। क्या कोई खास बात है आज रात? तुम ही तो कहते हो हमें सबसे मिलना जुलना चाहिए, इसलिए मैंने आज अपने घर वालों में से किसी को बुलाया है। मुझे भी बहुत काम है, मैं जा रही हूँ। ठीक है। आप आज रात काम कर दीजिएगा अंकल। हाँ बेटा कर देंगे, अब मुझे बार बार कॉल करना बंद करो, हमें अपने वादे का पास रखना आता है। जी बिल्कुल। नहीं ऐसा नहीं है कि मुझे एतबार नहीं है आप पर, लेकिन बस पहली दफा कर रही हूँ तो थोड़ी नर्वस हो गई हूँ। नर्वस होने की जरूरत नहीं है तुम्हें, मेरे आदमी मेरे इशारे का इंतजार कर रहे हैं, वो साजो सामान के साथ तैयार है, बस मेरे इशारा देते ही कारखाने को आग लगा देंगे। ठीक है, मगर अंकल बहुत एहतियात से, किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, ठीक है? अरे घबराओ नहीं, हम किसी को जख्मी नहीं करेंगे, बस सिर्फ साजो सामान चलाएंगे। ठीक है बाद में बात करते हैं। क्या मैं अंदर आ जाऊं? आ जाओ। मैं आपको आज रात खाने की दावत देने आई हूँ। क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? क्या तुमने देखा नहीं कि अयाज मुझसे बात नहीं कर रहा? वो मुझसे मिलना नहीं चाहता है। अनम मैम, आप मुझ पे भरोसा करें, मैं ये सब कुछ अयाज ही के लिए कर रही हूँ। आप आज रात जरूर आइएगा। ये लो बेटा, ये लो पानी पी लो, ये लो ये लो। मेरी बात सुने साकिस खानम। हाँ यानी जीनिया ऐसा कभी नहीं कर सकती। यानी लड़की मेरे सफेद बालों का ही एहतराम कर लो, मैं झूठ बोलूंगी क्या? असल में मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो ये कह रही हूँ कि ये नामुमकिन है। अरे नहीं यानी ये कैसे हो सकता है? मेरा मतलब है कि शादी को चंद ही दिन हुए हैं और ये बता रही हैं आप। आहिस्ता बोलो, बताती हूँ। बच्चा यहाँ सामने बैठा है, वहाँ लड़की अचार खा रही है, वो भी खीरे का। तुम्हें बताओ फिर वो अचार क्यों खा रही है? अचार तो मैं भी खाती हूँ, तो इसमें ऐसी कौन सी बात है आप बताएं? ये दोनों हम लोगों से कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये तय है कि ये लोग उसे बहुत दिनों तक राज नहीं रख सकेंगे, और बहुत जल्द सबको पता चल जाएगा। जैसे जैसे दिन गुजरेंगे पता चल जाएगा। अब मेरा मुंह क्यों खुलवा रही हो तुम? हम लोग कैसी ये बातें एक छोटी लड़की के सामने बैठे कर रहे हैं? क्या समझ रहा होगा वो? आपके दिमाग में ये सब बातें कहाँ से आ गई? जीनिया और अयाज आपस में बातें कर रहे थे, वो मैंने गलती से उनकी कान में आवाज चली गई थी, वो तो इतना ही सुना मैंने और कुछ नहीं। सही कह रही हूँ? ये सुन के मेरे सर में दर्द हो गया। अम्मी आप लोग क्या बातें कर रहे हैं, क्या चल रहा है? ऐसे ही बेटा, तुम्हारी दादी से बातें हो रही हैं। बस ऐसे ही। और कोई ऐसी बात नहीं। अब मैं बोर हो गया हूँ और यहाँ बैठे बैठे थक गया हूँ, क्या मैं घर जा सकता हूँ? घर में अकेले जाकर क्या करोगे बेटा, बैठ जाओ आराम से। एक तो तुम्हें बेचैनी लगी रहती है, तुम्हारी बहन भी अभी आती ही होगी। तुम बिल्कुल नहीं जा सकते बच्चे, आज का दिन तुम्हारी बहन के लिए बहुत अहम है। साकिस खानम प्लीज। किसका फोन है? दोस्त की कॉल है, आप भी हर बात पे शक करती हैं। हेलो अलीना, कैसी हो? नहीं यार मैं अपनी बहन के घर आया हूँ,
इसे तो देखो कैसे लड़कियों से बात कर रहा है, बिल्कुल मेरे बचपन की कॉपी है। बचपन का जमाना याद आ गया, बड़ा होके एक शानदार नौजवान बनेगा। ये जीनिया होगी सीनिया। वो मेरी बात सुनो, ख्याल रखना वो मेरे और तुम्हारे दरमियान ही रहे जो मैंने तुम्हें बात बताई है, बस तुम उसका सरप्राइज मत खराब करना। कौन सा सरप्राइज साकिस खाना? हाँ। सुनो, लगता है चीज हाथ से निकल गई थी, मगर क्या जा रहा है, तुम और तुम्हारी बेटी खुशी खुशी बात कर सकते हो कमरे में जाके। जाओ, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, ठीक है? जो बताया है वो याद रखना। मम्मा, आपको दरवाजा खोलने में हमेशा बहुत वक्त लगता है। रुको यहीं पे, ठहरो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब मैंने क्या कर दिया है? तुम क्या समझती हो ज़ीनिया, हम ये सब लोगों को कैसे बताएंगे? हाँ, आप मुझे खुलकर बताएं ना, इस तरह से पहेलियां मत बुझाएं, बताएं मेरी क्या गलती है। ज़ीनिया, अब मुझे पागल मत बनाओ। क्या कह रही हैं आप? तुम जानती हो। मैं क्या जानती हूँ? वो जो बात तुम हम सबसे छुपाने की कोशिश कर रही हो। आपको मालूम हो गया? कसम से मामा, मैं आपको बताने ही वाली थी ये सब कुछ, लेकिन टाइम ही नहीं मिला बताने का। बल्कि मैं और अयाज हम दोनों आपको बताने वाले थे जब दादा दादी आ गए। तो ये बात दुरुस्त है कि तुम हामला हो? हाँ, कौन, मैं क्या, कैसे? अच्छा, तो ये तो तुम मुझे बताओगी ना। सिबल, सिबल कहाँ हो तुम? हमें देर हो रही है यार, तुम्हें अभी मेकअप भी करना है, जल्दी करो। शामिर, ये सब क्या है? सिबल देखो, ये मेरी बेटी के लिए खत है। वैसे तुम्हें ये कहाँ से मिला, बताओ मुझे। हाँ यार, मैं तो अपनी अंगूठी ढूंढ रही थी। सिबिल, इसमें एक बाप और बेटी की पर्सनल बातें हैं, तुम्हें इसे नहीं पढ़ना चाहिए। अरे बिल्कुल नहीं पढ़े, बिल्कुल नहीं पढ़े। खैर ये बताओ, तुमने मेरी अंगूठी देखी है? मिल रही नहीं है। यार मुझे क्या पता, शायद तुम घर पे छोड़ के आई हो। हाँ अच्छा, खैर रुको, ये बताओ कि फिजा हमें लेने आएगी या हमें खुद जाना पड़ेगा वहाँ पर? हमारी बात तो नहीं हुई, हम उन्हें रास्ते से ही फोन कर लेंगे। ठहरो, मैं अपना बैग ले लूँ। चलो डियर, चलते हैं। हाँ डेनिस, प्लीज कैफे का ख्याल रखना, खुदा हाफिज़। तुम यहाँ सब संभाल लेना। ओके बाय। ठीक है सिबिल आपा, टेक केयर। मामा, आप मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रही हैं? जैसे कि मैं आपसे कुछ छुपा रही हूँ। हाँ, आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? नहीं है, नहीं है भरोसा मुझे। वो क्या है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? जल्दी या देर से वो तो बताना ही पड़ेगा ना तुम्हें मुझे। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। मैंने तुम्हारी कभी पिटाई नहीं की है, अब मुझे उस पर मजबूर भी मत करो। अब ठीक से बताओ क्या बात है ज़ीनिया। ठीक है मामा, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ, लेकिन अगर दादा दादी को पता चल गया तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे। ये लड़की क्या कह रही है, मुश्किल कैसे मुश्किल। चुप, जल्दी से यहाँ आओ। आ रही हूँ। ज़ीनिया का सच सामने आ रहा है, आओ देखो। तुम बताओ, मैं जरा बैठ जाऊँ। अच्छा तो फिर ठीक है, बताओ मुझे। वादा करें कि आप किसी को बताएंगे नहीं ये सब। अच्छा ठीक है, देखो फिर। दरअसल देखे मामा, मैं और अयाज आपको बताना ही चाह रहे थे, लेकिन हमें मौका नहीं मिला। मैं आपसे सच कह रही हूँ। बात यह है कि यानी कि मैं और अयाज, मैं स्क्रीन ऑफ हो गई। क्या करो, करो साली साहब। उफ़ो, ठीक हो जाओ, कुछ तो करो। क्या मुसीबत है, इसको भी अभी खराब होना था। अब
कैसे पता चलेगा? चलो नीचे चलते हैं, जल्दी करो, वो बताने वाली है। ठहरो, तुम कहाँ जा रहे हो? खांसी हो रही है तुम्हें? आराम से जाओ, आराम से। नहीं नहीं, मैं अभी नहीं रुक सकता। ये बिना हाय साले साहब, क्या हो गया? साले साहब, सबर करने में आ रही हूँ। साले साहब, साले तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ, बस पाँव उड़ गया है। तुम मेरी फिक्र छोड़ो, जाओ और इस राज को मालूम करो। खुदा, ये सब तुम्हारे तजस्सुस की वजह से हुआ है। आओ कंधे पे हाथ रखो मेरे, मैं तुम्हें कमरे में ले जाती हूँ। उठो आराम आराम से, चलो आहिस्ता आहिस्ता चलो, शाबाश। इससे क्या मतलब है? क्या मतलब है कि तुमने शादी नहीं की है? लड़की, तुम मुझे हमेशा परेशान ही रखोगी। मामा, इसी वजह से मैं आपको कुछ नहीं बता रही थी कि आप परेशान हो जाएंगी। अब आप प्लीज रिलैक्स हो जाए, काम डाउन हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। अगर सच बाहर निकल आया तो हम उसे नहीं रोक सकेंगे। इस बात को यहीं रहने दो, तुम्हारे और अयास के मामलों को बाद में देखेंगे, समझे तुम? अंदर चलो, कभी तो समझदारी से काम लिया करो। चलो अब, चलो आगे चलो। मामा, मामा मुझे इस पर कोई पछतावा नहीं है, प्लीज आप किसी से मत कहिएगा। आपको बता रही हूँ ना, किसी को पता नहीं चलेगा, और ये बात हम में से किसी और को पता भी नहीं है। अयास और मैं नहीं बताएंगे, और आप भी नहीं बताएंगी। मामा, आप समझ रही हैं ना, एक दफा हमारी शादी हो जाए बस, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है ना मामा? अच्छा, लगता है वो लोग आ गए हैं। मामा, अनम मैम और मेहमत साहब इस बारे में कुछ नहीं जानते। क्या तुमने उन्हें भी बुलाया है? ये एक फैमिली डिनर है ना। वेलकम। अरे सिबल। हेलो आंटी। अंकल, यहाँ सब जा चुके हैं, अब खाली है। हम फैक्ट्री के सामने खड़े हैं। टैंक में गैस है ना? मुझे नहीं पता दोस्त, तुम लेकर आने वाले थे। हाँ, मुझे लाना था, हमने उसके बारे में बात ही नहीं की। यानी हमारे पास गैस नहीं है अब? तुम भी अजीब हो यार। चलो यार चलो, वैसे भी हमारे पास काफी टाइम है, गैस स्टेशन से भी लेके आ सकते हैं। अरे मेरा फोन कहाँ गया? लगता है कारखाने में भूल गया। अफ़, बैटरी भी खत्म हो गई, चार्जर पता नहीं कहाँ रखा है। बहरहाल मैं कार में ही चार्ज कर लूंगा। अयास, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं ही आपको लौटाने आया था। मैंने इसे खोला नहीं है, ना ही इरादा है। ना तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा और ना ही आपको बाबा कहूंगा। ठीक है, मैं समझ सकता हूं, मगर इस वक्त यहां आने की एक और वजह है जो लिफाफा लौटाने के पीछे छुपी है। और कोई बात नहीं है। क्या वाकई नहीं जानना चाहते इसके अंदर क्या है? खुश आमदी, देखो कौन आया है। तुम्हारी तो परफ्यूम की खुशबू ने ही मुझे बता दिया था, मैं जानती थी ये तुम हो। तो आप भी यहाँ हैं। लगता है कि बाकायदा तौर पर यहाँ आ गई हैं। हाँ भाई, और इस बात का सबूत भी मिल गया। अच्छा है, अयास कहाँ है? वो बस आता ही होगा, रास्ते में होगा। आप लोग सब बैठिए ना। यहाँ पर तो सभी हैं। मुझे लगा था कि फैमिली डिनर है।
सब भी इसी खानदान का हिस्सा हैं, लेकिन शायद तुम भूल गई हो अनम। हाँ ये सही कह रही है अनम। अयास कब तक आ जाएगा, क्या फोन कर लें? बस 5 मिनट और, फिर मैं उसको कॉल करती हूँ। ठीक है अनम। मैम आप मुझ पर भरोसा रखें, सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। हाँ लगता है आयाज आ गया। रुको मैं देखती हूँ। साफ यार अब वेलकम। तुमने तो मुझसे कहा था कि एतबार कीजिए, तो ये कहां से आ गया? दरअसल मैं यहां इसलिए आया हूं कि मुझे अयाज से कुछ जरूरी बात करनी थी, मगर वो मुझसे बात नहीं कर रहा। उसे एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता था। अब कहने के लिए आखिर क्या रह गया है? हाँ आप अपने गुनाहों की सजा मुझे नहीं दे सकती, मैं ये कहने आया था उससे। अब भाई प्लीज। शाहमीडिया तुम जावियर को लेकर कुछ देर बाहर चले जाओ प्लीज। कोई बाहर नहीं जाएगा, पहले हमें बताओ क्या बात है। दादा जान कोई भी बात नहीं है, सब कुछ ठीक है ना जावियर शामिर? अना मैम आप बताइए ना कि सब कुछ ठीक है, बोले ना। हाँ हाँ कोई खास बात नहीं है, हम लोग कारोबारी मामलात पे बात करना चाह रहे थे और कुछ नहीं। मुझे ये लड़का अच्छा नहीं लगता है, ये हमेशा तमाशा करता है। अयास का फोन है। हाँ मेरी जान हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम आ रहे हो ना? नहीं मेरी जान मुझे देर हो जाएगी, ये बताने के लिए फोन किया था, आई एम सॉरी। क्यों? अगर बताते तो तुम परेशान हो जाओगी। अयास मुझे बताओ ना कि क्या बात है। मैं फैक्ट्री में हूँ। कौन सी वाली फैक्ट्री? जहाँ तुम काम करती हो। तुम इस वक्त फैक्ट्री में क्या कर रहे हो? वो मेहमत के कारखाने में है, फोन दो मुझे। अना मैम एक सेकंड। मेरी मॉम है क्या, यहाँ क्या कर रही है वो? अयास तुम आ जाओ ना फिर बात करते हैं हम आराम से, ठीक है? तुम आराम से घर आ जाओ फिर बात करते हैं हम। ठीक है। फोन बंद मत करना, मेरी बात कराओ। उसने बंद कर दिया, वो आ जाएगा फिर बात कर लेंगे। ये क्या है? हाँ मैं जा रहा हूं। अभी हमारी बात मुकम्मल नहीं हुई है। मैं यहां कोई बात करने नहीं आया। बहुत हो गया, बैठ जाओ। अब जो मैं कहने जा रहा हूं वो सब सुनना होगा तुम्हें। हम दोनों में से कोई यहां से नहीं जाएगा जब तक हमारी बात मुकम्मल ना हो। उसने फोन बंद कर दिया। क्या हुआ, आप परेशान क्यों हैं? मैं यहाँ से जा रही हूँ, मेरा जाना बहुत जरूरी है। लड़की अयाज कहाँ है? वो अभी तक वहाँ फैक्ट्री में ही है। वो मैंने अपनी ड्राइंग्स वहाँ छोड़ दी थी ना, तो बस वो लेकर यहाँ आता ही होगा। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ ना। अना मैम आप रुकिए, अयाज थोड़ी देर में यहाँ पहुँच जाएगा, हम लोग आज ही सारा मामला हल कर लेंगे। प्लीज आप बच जाइए, मुझे जाने दो। देखो मुझे भी जाना चाहिए। गुड नाइट एवरीवन। ये क्या हो रहा है? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। सीनिया फैक्ट्री में जरूर कुछ होने वाला है, तुमने अनम का चेहरा देखा था? मुझे तो खुद कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आपके मिलाए हुए सारे क्यों नहीं लग रही? फोन बंद किया हुआ, नंबर ऑफ जा रहा है। कुछ देर बाद कॉल कीजिए।
अंकल मेरी बात सुनिए, मुझे अब नहीं करना है। अपने आदमियों को रोक लीजिए। अयाज मेरा बेटा कारखाने में है। मेरी बात समझ गए ना? प्लीज फौरन रोक लीजिए और खबर कीजिए मुझे। हाँ। अनम आंटी, आखिर ये चल क्या रहा है आपके साथ? अनम आंटी रुक जाइए, आप ये किससे फोन पर बात कर रही थी? जाव्यार मैं इस वक्त जाया नहीं कर सकती। शायद आपने कुछ किया है। अनम आंटी आपने क्या किया है? कहो क्या कहना चाहते हो? मेरे पास कुछ नहीं है कहने को, लेकिन आपसे जानना चाहता हूं आपने मुझसे ये सब क्यों छुपाए रखा? मेरा बाप होने के नाते मुझे कबूल क्यों नहीं किया? मजबूरियां थी, यानी बहुत सी मजबूरियां थी। तुमसे किसका जिक्र करूं और किसे रहने दूं कुछ समझ नहीं आता। तुम्हारी सारी यादें बचपन की। सोचा था तुम मिलोगे तो बताऊंगा कि वो दौर कितना खूबसूरत था। बहुत खूबसूरत था वो जमाना। उस जमाने में मैं बहुत तेजी से दौड़ रहा था, बहुत तेज। शायद इसी वजह से यही वजह थी, समझे? ये शायद तकदीर थी या मेरी बेवकूफी, लेकिन याद रखना तुमसे बहुत प्यार करता हूं मैं। हर पल तुम्हारी यादों के साथ जिया हूं मैं। यार जीनिया तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? अयाज आ जाएगा? नहीं, वहाँ जरूर कुछ हुआ है, वरना उन दोनों का मोबाइल क्यों ऑफ होगा? मुझे खुद वहाँ पर जाकर देखना होगा। फिजा, अनम मैम क्यों चली गयी? तुम फिक्र नहीं करो, कुछ नहीं हुआ, हम जाके देखते हैं खुद वहाँ पर। फिजा यहाँ पर सिचुएशन को पैनिक नहीं होने देना, ठीक है? ठीक है। तुम यही देखने आए थे, तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए वही जगह है जो मेरे दिल में भी है। याद है उस दिन इस कमरे में हम दोनों के साथ क्या हुआ था? तुम उस दरवाजे से अंदर आए और मुझसे पूछा कि क्या आप एक दिन के लिए मेरे बाबा बनेंगे। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे तकलीफ दे दिन था और शायद सबसे मसरूर दिन भी था। वो इस तमाम की कीमत सिर्फ तुमने अदा नहीं की, हम सब अदा कर रहे हैं। तो आप मुझे ये बताना चाह रहे हैं कि आप मुझसे प्यार करते हैं? दो तस्वीरें और एक बार बाप बन के दिखाना, क्या यही कीमत है मेरी कहानी की?
मुसलसल बंद है, नेमत का फोन भी बंद है, मेरा बेटा मेरी वजह से मर जाएगा। देखिए अनम आंटी, हम तकरीबन पहुंच ही गए हैं, आप हौसला रखिए, कुछ नहीं होगा। हम वक्त पर नहीं पहुंच सकेंगे, मेरा बेटा मर जाएगा। अच्छा, जैसा कि आपने कहा, अगर मैं आपको माफ भी कर दूं तो जो बच्चा इस तस्वीर में है कभी माफ नहीं करेगा। प्लीज अयास, ठीक है, जो हो चुका मैं उसे बदल नहीं सकता। हां, मगर मैं अब भी तुम्हारा बाबा हूं, मैं तुम्हारी खातिर जमाने से लड़ सकता हूं, तुम गिरने लगोगे तो संभाल सकता हूं, दुनिया की तमाम खुशियां तुम्हारे कदमों में ला के डाल सकता हूं, तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता हूं, तुम्हारा बाप हूं मैं, मेरी खातिर मरने की जरूरत नहीं है, समझ गए? ना मैं आपका बेटा हूं, ना ही आप मेरे बाबा हैं, और यह हमारी आखिरी मुलाकात है। धुआं, आग लग गई है, तुम यहीं ठहरो। कोई बुझाओ इस आग को, अंदर कोई फंसा है, बचाओ उसे, कोई फायर ब्रिगेड को बुलाओ, बचाओ, बुझाओ इस आग को। सामने का दरवाजा बंद हो गया, हर तरफ शोले, तुम मेरे साथ आओ।